Good morning, sir. Welcome on board. These rooms are gigantic. By far the biggest train room we've ever had. As soon as you walk in, there is seating area number one. We have these two comfy chairs right next to the window. We can watch the world. Restaurants, wo Rang Mahal. ओ भाई वो इतना खूबसूरत और दूसरा जो था वो भी इतना खूबसूरत और उसमें 47 लोगों की बैठने की जगह थी लेकिन बहुत ही ज्यादा मेरे होश उड़ा दिए इस ट्रेन ने। पहले तो ऐसा ट्रेन महलों जैसा सीन था बे। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी वो थी महाराजा एक्सप्रेस। दिस इज ब्यूटीफुल। और यार मैं इधर हैरान रह गया, किस तरह का वेलकम किया उन्होंने, किस तरीके से। यार मुझे शेफ पे यार मानना, शेफ यार बहुत नाइस बंदा था, शेफ बहुत नाइस बंदा था। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इज द एपिटोम ऑफ दिस रेस्टोरेंट। 68 ईयर ओल्ड जेंटलमैन हैज hand painted it, and these are not oil pastels or watercolors, these are colors made by crushing stones. इंडिया की रेलवे जो है आज भी दुनिया में उनकी रिसोर्सेज के हवाले से उनका जूल इन द क्राउन आज भी है। अच्छा। और वो उनकी देखें कि उनकी जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं वो महाराजा ट्रेन है, वो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि ये भी तो लग्जरी ट्रेन, ये भी ट्रेन्स, और ये बहुत लग्जरी किस्म की ट्रेन्स हैं, और ये कह लीजिए कि इकोनॉमी क्लास भी जो है ना इनकी लग्जरी किस्म की हैं। लेकिन हमारे बात ये है कि वो मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन्स बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो है वो चाइना से ले रहे हैं। भाई इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं वो कैसे चला, हमारे स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट किया? जी इंशाल्लाह। वो बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग जो है ना चाइना के बाद जो है ना उनके हाल आज भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। वही रेलवे थी, हम भी मिली थी, उन्हें भी मिली थी। तो ये है, दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, कि हमने जो बनी बनाई चीजों का ये सत्यानाश किया है। कहाँ से भी लोग देख रहे हैं, ये बताइएगा आपके उधर जो रेलवे की टिकट है क्या वो पेपर की सूरत में होती है, टोकन की सूरत में होती है, या कार्ड की सूरत में होती है, या ऑनलाइन होती है, ये जरूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया की कि इन्होंने किस तरह की ये ट्रेन्स बनाई हैं, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, जापान की, या किसी भी मुल्क की, सब वेल डेवलप हैं। पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे पास जो ट्रेन का सिस्टम है वो ब्रिटिश डॉल का है। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने ऐसी अचीवमेंट्स क्यों नहीं की, ऐसी डिवेलपमेंट क्यों नहीं की? एक्चुअली बात यह है कि हम खुद सन्सियर नहीं हैं अपने मुल्क के साथ, कोई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सियासतदान नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं। हमने पाकिस्तान का सोचा ही नहीं है, वही रूटीन लेके चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई, उसमें कोई नहीं, ना ही कोई ऐसा किसी महकमे में ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट है जो नॉलेज रखता हो, बल्कि ये पढ़ाई की जो भी है आगे रिश्वत दे के पढ़ के आकर लग गए महकमों में, और वही रूटीन पे चल रहे हैं। अगर जो बेहतर माइंड्स हैं वो तो बाहर मुल्क चले गए हैं, उनको अपनी ही बात करें एजुकेशन की, आपको नहीं लगता हम वो एजुकेशन पढ़ते ही नहीं है जो कि आगे मियारी हो? ये तो इब्तदा से होनी चाहिए, और ये स्किल इनको बच्चों को देना चाहिए, उनके लिए अलग पीरियड होने चाहिए टेक्निकल किस्म के भी, और उनको सिखाना भी चाहिए जो हमारे स्कूलों में नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्रेन से हटकर किसी और चीज़, इकोनॉमी या किसी चीज़ में भी, तो 75 सालों में उन्होंने दुनिया को मनवा लिया है कि वो एक कौम बन कर चल रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आज हमारे हालात कितने बदतर हो गए हुए हैं। हमने सिर्फ ये एटॉमिक पे रिसर्च की, और वो भी चोरी छुपे की, और एटमी मुल्क बने हम, लेकिन महकमों में खींचातानी चलती है, कोई किसी को आगे नहीं आने देता। एटॉमिक पावर का हम अब क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। मैं समझता हूँ बेकार है चीज़ ये, बिल्कुल बेकार चीज़ है ये। हम अभी भी, हमारी यूथ अभी भी यकीन करें उस एटॉमिक पावर का, कह के हम तो एक पावर है। बिल्कुल पावर नहीं है ये, हम ऐसी पावर नहीं है, क्योंकि जब हम मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते अपने मुल्क के, एक जो जिसको कहते हैं जी नेशनल असम्बली में या वज़रा हैं, तो वो सियासी वज़ीर रखेंगे हम, तो क्या करेंगे? उनको भी 5,000 लीटर पेट्रोल, उनको रिहाइश, उनको मेडिकल, और ये चीज़ें जो है ना, एक हमारे मुल्क जो तरक्की पजीर मुल्क है उसको ये जेब नहीं देती। देखे ना गवर्नमेंट के हाल देखे कि अभी 2 महीने की तो बंद कर दी उन्होंने तनख्वाह, एक्चुअल है ही नहीं इनके, इनके पास अपनी तनख्वाहें हैं,
अल्लाह तल्लों के काम के लिए हैं इनके पास है। और कोई कोई मुझे ये बताएं कोई अदारा जो है वो मकरूज है बस, अगर ये अपनी तनखाएं बंद करें, मुल्क की खिदमत तो ऐसी होती है ना कि ख़त्म करें, ये नवाज शरीफ छोड़ दें, अपनी प्रॉपर्टी दें, इमरान खान छोड़ें, फजल रहमान छोड़ें, ये सब छोड़ दें। अगर मुल्क में सियासत करनी है तो सियासत करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी इनको, घर को पालने के लिए तो बाप को हज़ार कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, करना चाहिए इनको। ये सियासतदान किस लिए हैं? मैं इनको किसी को सियासतदान नहीं मानता, कोई सियासतदान नहीं। बात करूँ ना इंडियन गवर्नमेंट की, अभी मैं पीछे दूर नहीं जाती, सारे लॉयल थे वैसे, लेकिन अभी मैं अभी की बात करूँ ना इंडियन गवर्नमेंट की, तो करंट गवर्नमेंट जो है उनके रिसर्च बेस जो है वो 0% उनका खर्चा है अपने खाने पीने हर चीज़ पर, और जो खर्चा है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ये बाजरा और ये हर चीज़ की रोटी को, और जो खर्चा है उनके अपने मतलब उस पर है। अगर मैं बात करूँ उनकी जायदाद वगैरह की, तो अभी तक 2 टेन्योर गुजरे 10 साल कभी ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला। बेटे यहाँ पर तो सारी करप्शन है, बचाने के लिए भी यही है, हाँ जी लगाने के लिए भी यही है। एक महकमा है, अगर वो मुझे दे दें ना तो मैं इस मुल्क में ना वो बाद में बताऊंगा, मुझे दे दें ट्रैफिक फ्री, एजुकेशन फ्री, हर चीज़ फ्री। ये तो पढ़ लिख के महकमे बेकार लोग हैं ये, माशाल्लाह टैलेंटेड भी बहुत लग रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी बहुत है, और मुझे लग रहा है कि आपको एक मौका ज़रूर भी मिल जाना। नहीं, एक महकमा मुझे दे दें, बीच में दखल अंदाजी कोई ना दे, तो मैं एक साल बताना चाहते हैं, एक साल में मैं इस मुल्क के कर्जे भी उतार दूंगा। मानी बताना चाहते हैं आपको, मैं खुद चॉइस करूंगा, वो मेरे पास है। अच्छा। और मैं एक साल में कर्जे खत्म करूंगा, अगर ना करूं तो मेरी गर्दन चौक में रख के काट दी जाए। तो ऑडियंस को बताएं ना वो कौन सा महकमा है। वो महकमा है, वो हर शख्स उसमें अगले साल उसमें हर आदमी जो है ना मत, लेकिन अगर इनको बता दिया तो ये मुझे पता है कि ये बड़े बेईमान किस्म के लोग हैं पॉलिटिशियन, और ब्यूरोक्रेसी भी ये गर्दने भी उड़ा देते हैं अगर जो कोई तरक्की करेगा तो। मैं खुद कहता हूं कि एक महकमा मुझे दे दें, एक साल बाद मुल्क का कर्जा उतरा होगा, और अगर ना उतरे तो मेरी गर्दन काट दें बस। अल्लाह से हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। और एडवोकेट मेरा ऑफिस सेशन कोर्ट में है, हाई कोर्ट का बल्कि सुप्रीम कोर्ट का, तो अलहाज मोहम्मद नईम मेरा नाम है, रब्ता कर सकते हैं, कर लें, बताऊँगा इन सबको इंशाल्लाह। आप सब कुछ देख रहे हैं कि उसी वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है, ठीक है। लेकिन अच्छा, इधर से ट्रेनों की जो डब्बे हैं, सीटें, हाँ। आप यकीन करें उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा क्या मैं इनमें सफर, इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी गंदी, कवर भी। आपने एक बात बड़ी गहरी की, इधर साइड आता है भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है, आपने बोला की गोरे जो अंग्रेज बना गए वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो, अगर कैमरा मैन दिखाए कंस्ट्रक्शन को आप देखें वो ही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में था ना पूरा बरसखीर था, तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली, इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन्स, अभी वो पहले जो है वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो है वो वगैरह जो दिल्ली से चलती है ट्रेनें, मतलब उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली, उनके अंदर जो है ना मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है, जो मेन वजह है ना हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है। आप स्टेशन का नाम मेरे ख्याल से पहले 9 लाख था जो इसकी टिकटें बिकती थी, ठीक है, 9 लाख स्टेशन, यानी कि पर डे के हिसाब से 9 लाख की टिकटें मेरे ख्याल से फरोख होती थी। ओए होए, ये मतलब तो, इस हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़े, हाँ, और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले 9 लाख था, और उसकी रीजन ये है कि 9 लाख बंदा यहाँ से डेली सफर करता था, 9 लाख की टिकटें थी या 9 लाख की लोग आते जाते थे जो भी उनका मामला थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से टिकटें भी बढ़ गई है, किराए भी बढ़ गए हैं, बाकी मामला भी आगे हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे ट्रेन का सिस्टम नहीं, सिस्टम है ना वो नीचे डेड हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं।